अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑफिशियल फूड पॉइंट। और आज हम बना रहे हैं क्रिस्पी चिकन स्टिक्स, या तो आप इसको चिकन सिंगार भी बोल सकते हो। तो इसका रेसिपी बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे हमने पहले बनाया था पिछले रमज़ान में, उसको पहले हमने स्टीम वगैरह किया था। इसको स्टीम नहीं करना है, इसको डायरेक्ट चिकन को मैरिनेट करके मसाला लगा कर डायरेक्ट हम इसमें भरेंगे और फ्राई कर देंगे। तो नया रेसिपी है सिंगार का, चलो इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले चिकन ले रही हूँ, बोनलेस है, 300 से 350 ग्राम चिकन है, उसको फूड प्रोसेसर में डाल दूँगी। उसके बाद हम इसमें विनेगर और सोया सॉस डालेंगे, जो कि 1 टीस्पून ईच है, एक छोटी चम्मच दोनों। उसके बाद इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 1.5 चम्मच है बड़ी चम्मच, और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। उसके बाद इसमें मसाले जाएंगे, हल्दी, काली मिर्च, गरम मसाला 1/2 टीस्पून ईच, और लाल मसाला, धनिया पाउडर और ओरिगानो 1 टेबलस्पून ईच। अब इसमें 2 अंडा डालना है। 2 अंडा इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा स्टिकी बनना चाहिए, क्योंकि हमें इसमें पाइपिंग बैग में डालकर अंदर फिल करना है सिगार के। उसके बाद यहाँ पर हमको डालना है धनिया और पुदीना, दोनों हैंडफुल लिया है, वो भी इसमें डाल देना। अब इसके बाद इसे एक पाइपिंग बैग में भरते हैं, क्योंकि वो सिगार पतली बनती है तो उसको स्पून से भरना पॉसिबल नहीं होता है। इसके लिए इसको पाइपिंग बैग में भरेंगे और फिर हम सिगार को शेप देने की तैयारी करेंगे। पाइपिंग बैग तो हो गई रेडी, अभी हम जाते हैं सिगार की डायरेक्ट तैयारी करने के लिए। यहाँ पर मैंने स्प्रिंग रोल की शीट्स लिया है, वो नॉर्मल साइज़ वाली शीट नहीं है, उससे थोड़ी सी छोटी है, और एक पतला सा बेलन लिया है जिससे मैं फ़ोल्ड करके सिगार का शेप दे सकूँ। आप या तो कोई मोटी स्ट्रॉ है या कुछ ऐसा चीज़ है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। इसमें डालकर बस इसे टाइट फोल्ड करना है, और मैदा और पानी का जो घोल बनाते हैं, ग्लू बनाते हैं, उससे हमें इसको स्टिक करके सील कर देना है, फिर बीच में से बेलन निकाल देंगे। तो ये इस तरह का शेप बनना चाहिए, बीच में से खाली होना चाहिए ताकि हम फिल कर सकें। और एक चीज़ आपको ये बता दूँ इसमें, कि आप जब शीट्स ले रहे हो तो फ्रेश पैकेट ओपन करना, क्योंकि आप जब हम कुछ पैकेट यूज़ करते हैं, समोसा बना के रख दिया या स्प्रिंग रोल बना के रखा हमने, और उसका पैकेट फ्रिज में रख देते हैं, तो बाद में कुछ टाइम बाद वो कड़क हो जाती है, तो वो इस रेसिपी में काम नहीं करेगी, क्योंकि ये पूरा अंदर तक घुस जाना चाहिए ना बराबर। इसके लिए अब पाइपिंग बैग से इसे फिल कर देना है, एक साथ में नहीं जाता है, तो दोनों तरफ से आधा आधा फिल कर दो। तो मैंने सारे फिल कर दिया, अब ये फ्राई के लिए रेडी हो गए हैं। अब इसे डीप फ्राई करके निकालना है हमें। इसका बाहर का कोटिंग क्रिस्पी हो जानी चाहिए, अंदर का बहुत थोड़ा सा भरते हैं हम, बारीक सा भरते हैं, तो उसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट आप इसे फुल फ्लेम पे फ्राई मत करना, मीडियम टू हाई पे कर सकते हो, ताकि अंदर का चिकन भी पक जाए, उसमें कुछ प्रॉब्लम ना रहे। अब ये फ्राई होकर भी रेडी हो गई है, तो अब इसको डायरेक्ट प्लेटिंग करते हैं हम लोग। टेस्ट में तो बहुत अच्छी बनी थी, और स्पेशली बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना रेसिपी को। मैं इसको एक तोड़ के भी बता देती हूँ कि ये अंदर से भी कैसी दिखती है और कितनी क्रिस्पी बनी है। आपने उसका साउंड देख लिया, अब एक लुक भी देख लो अंदर से। तो चलो अब हम वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे इंशाल्लाह दूसरी रेसिपी में, या मे बी बिरयानी की रेसिपी में मिलेंगे। तो चलिए, अल्लाह हाफिज़।